आई एम के बी मिस्त्री फ्रॉम अंबिकापुर सर। कल से हम लोग मानव अधिकार आयोग और कानून के संबंध में हम लोग का चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में मानव अधिकार कानून कब लागू हुआ और कब हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। सर 10 दिसंबर 1948 को भारत में मानव अधिकार कानून लागू हुआ और हमारे साथियों के द्वारा अनुच्छेद के बारे में बताया गया कि इसमें जो मानव अधिकार आयोग का जो अनुच्छेद दिया हुआ है ये अनुच्छेद 30 में है और इसमें वुमेन का क्या राइट है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वुमेन राइट्स, और इसमें ये दिया हुआ है कि इसमें मानव का 10 अधिकार है जो 10 अगस्त 1948 को भारत वर्ष में लागू हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ में सन 1993 से लागू है। और इसमें मानव अधिकार किनके प्रति हमें ये अधिकारों को लागू कराना चाहिए, कानून में बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति और इनके किन किन प्रावधान किए हुए हैं, जैसे सूचना के अधिकार के तहत, स्वच्छता के तहत, शिक्षा के तहत और शिल्पी के तहत, इस प्रकार से 10 काइंड्स है जिन 10 प्रकार से लोगों को हम इनका मानव अधिकार के संबंध में लोगों को बता सकते हैं और उनको हम मदद कर सकते हैं। एक बच्चे को किस प्रकार से उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। चूंकि हम लोग पेशे से एडवोकेट हैं, इसलिए हम लोग का हर प्रकार के लोगों से हमेशा मिलजुल होते रहता है। इसलिए जो गरीब और कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं और उसे ये जानकारी नहीं है कि उनके घर वालों को जानकारी देना चाहिए और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना चाहिए, तो ये गांव वालों को जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें ये जानकारी नहीं है। पुलिस वाले 36 घंटा 48 घंटा उन्हें थाने में बैठा के रखते हैं जबकि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये मानव अधिकार के श्रेणी में ये मानव का ये अधिकार है कि उनका क्या अधिकार दिया हो, तो ये सबको हमें बताना पड़ेगा। और कानून के संबंध में गांव वालों को भी जानकारी नहीं है। अभी जैसे 2005 में छत्तीसगढ़ में महिला घरेलू हिंसा कानून जो बना है ये 2005 से लागू हुआ है, महिलाओं को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, ये महिला जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी इसमें अधिकार दिया हुआ है। अभी किसी के पास ये शिक्षकों को गैर शिक्षक के कार्य नहीं कर गए क्योंकि शिक्षा में ही मध्यान्ह भोजन जैसे कहते हैं अंतराम जनगणना सामान्य तौर पर कोई भी गणना हो या कहते हो शिक्षक के जुड़े बीमार हैं। जैसे अभी रायगढ़ जिले में देखा जाए तो एक सरकारी कार्यक्रम चलाया गया था जिसके वजह खेलों ने वो उद्घाटन कराने के लिए बाकायदा ग्राम पंचायत के सचिवों और शिक्षकों को बोला गया था कि आप भीड़ इकट्ठा करने हेतु प्रयास करेंगे। आप लोग के ऊपर भी आक्रमण नहीं हुआ कि आप एक तरह से जनसाधारण के बीच में कुछ करके ला रहे हैं जो अपने क्या सामग्री दे रहे हैं उसके लिए आपके वोट है। विधानसभा के क्वेश्चन में आप 2012 में जवाब दे रहे हैं जब किताबें 2011 में और 10 में चालू की गई कि हम टॉप पे वही बात देखा जाए भूख के अधिकार की बात MDA चला रहे हो चाहे PDA सिस्टम हो और उसके बाद उसमें एक अच्छा खाना की बात हुई चावल की बात हुई कृषि में एक सरकारी तौर पर एक रिपोर्ट पर एक चर्चा हो रही जिससे SDM साहब का कहना 22,000 कैलोरी अगर पर डे कोई व्यक्ति जुड़े हुआ है या 22 कैलोरी मिल रहा है तो वह व्यक्ति FPL की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है
150-170 सेंट ही इतनी की रकम मिल जाती है, क्या भूख मिटाने का साधन होगा? क्या चावल भर के टेबले से साधन उपलब्ध हो गया? हम ये कहते हैं भूख मर गई, फिर पेट भरने के साधन है, उसके लिए गुणवत्तायुक्त भोजन की व्यवस्था के कोई बारे में कहीं कोई बात नहीं। जबकि सही प्रशासन गुणवत्तायुक्त भोजन की बात करता है। भारत सरकार ने मेन्यू चार्ट के आधार पर कोई बात ये बात नहीं बोली थी कि आप सप्ताह में कौन सा दिन क्या किया, उसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश था कि जो संसाधन जहाँ जैसा उपलब्ध हो उसका उपयोग समुचित तरीके से कर उस राशि में समाहित किया। किंतु एक जाम फल वितरण की बात आती है, आज हमारे पास अगर देखा जाए सबसे ज्यादा विवाद अगर व्यवस्था है एनडीए में मुख्य अधिकार में, तो ये बात आती है कि क्या दे रहा है। आज जैसे एक अंडे का रेट 5-4 रुपये 30 रुपये सरकार देती 2.5 रुपये, तो भाई सी बात की अंडा नहीं दे सकेगा कोई भी, कोई समूह नहीं दे सके। मीठा की बात की जाए तो वो भी मेरा समूह नहीं, किंतु स्थानीय स्तर के हमारे पास क्या संसाधन है जो उसकी पूर्ति कर सकता है, उसके बारे में हमारा सरकार ने कोई अधिकार किसी को नहीं दिया, निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया। इसी प्रकार से देखा जाए अगर कुछ जिलों में कोई आंदोलन होते हैं तो वहाँ सबसे पहले पुलिस के डंडे होते हैं, नेताओं के द्वारा एक दिन पहले ये बोले थे हम साथ में होंगे, सेमडी को नहीं रहता वही नेता ये करके पाए जाते हैं, नहीं तो गलत कर रहे हैं, सरकार ने निर्णय लिया है मान लेना चाहिए। ये बातें कहाँ पास से आ रही है, कोई संसद में डॉ व्यक्ति। अगर आप प्राइवेट जिले की बात करें तो वहाँ पी सी एम की मीटिंग में बात सामने आई कि एक हरियन महिला सरपंच चुनी गई थी, ग्राम पंचायत में बैठे हुए ग्राम सभा में आके आप सक्सेस नहीं पाएंगे, अन्य मुद्दों के लेकिन इस मुद्दे पर एक अच्छी सफल कामयाबी हुई थी जिसके में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि चूंकि चुनी महिला प्रतिनिधि हरियन वर्ग की महिला है इसलिए वह झंडा नहीं खा रहा है, और इस सब समय जिस पारित भी हुआ उसने विधायक का मुहर भी लग गया कि हम समर्थन करें। एक तरफ संविधान की बात होती है, दूसरी तरफ संविधान के लिए प्रणेता होते हैं, इस सारे सर्विस टैक्स की काम कर रहे हैं। रायगढ़ जिले की एक रिपोर्ट होती है कि वहाँ पास पॉल्यूशन स्तर जहाँ चार 300 ppm आदमी ब्लास्ट कर सकता है, उसी ऊपर बीमार होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पास 2800 तक पाए गए, किंतु वहाँ के प्रांगण अधिकारी बोलते हैं कहाँ है, क्या कोई प्रांगण अधिकारी नहीं हुआ, दोनों का जवाब कई मंचों में नहीं बोला बोला गया कि नहीं आती ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, और लेकिन कोई याद नहीं रहा है तो हाई कोर्ट इतनी लंबी रूप से चली जाती है कि वहाँ पास न साक्षी काम आता है कि न आदमी की मानसिकता काम आ पाती है न तो उसकी इच्छा रह सकती रह जाती है। कई ऐसे मामले हैं जो सामान को जिले का अधिकार के तहत पुलिस वाले छीन लेते हैं, यदि आप किसी से ये बात करके आंदोलन कर रहे होते हैं तो आपका पुलिस से रिकॉर्ड बना लो, थोड़ी लोगों के एक ऐसे काम वाले जो छप्पन आपको से आपको ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो ज्यादा लोगों के लिए वरदान साबित हो चुका है। किसी को किसी गतिविधि से रोकना है तो एक घंटा लगा कर उसको 6 महीने से चलिए सार्वजनिक सभा में भाग लेने से प्रतिबंध लगा देते हैं, यह हमारे समाज के ऊपर एक सीधा प्रहार है। एक ग्रामीण क्षेत्र में ये भी आप पाएंगे कि जहाँ पास हमारे देश में अभी तक एक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अभी 4500 रुपये छत्तीसगढ़ शासन को प्राप्त होते थे, दूसरे राज्यों में तो ठीक है जितने पैसा है उतने बन रहे हैं, यहाँ पास 1200 में कौन से शौचालय बना रहे हैं, सामान को देने के लिए आप ये बजट लगाए थे, इसके में जयराम नरेश और उसके पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्रियों ने भी कई बार इस बात को बोला है कि लोगों को सम्मान जीने का अधिकार इस स्थिति को एक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो कह रहा है 1200 में कार्य हो जाए, बस तब ये है कि वाले खेत में जाकर था घर के आंगन में खुले बैठे एक गड्ढे बना दे दिए और कुछ नहीं। वही दस हजार रुपये की बात आ रही है, यहाँ से टेबल सेंटर बोल रही है कि हम आज हमें एक बनाएंगे मतलब हम दूसरे बनाएंगे, ये सरकारों का ये कॉम्पिटिशन कि हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे, मतलब एक तरफ आप जहाँ 270 धारा शायद जो होता है कश्मीर के संबंध में 70 का वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होते हैं,
इसी तरह के खुदा का केस में हमने देखा था कि उसके सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेट और मामला का जो भी लीडर कोर्ट में सदन में एंड उसने पहले आर्गुमेंट को पढ़ता है घबराया नहीं है या नहीं माफी है या नहीं, वो क्या पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं वो भी सोचने की बात होती है। इससे एक हाईकोर्ट में एक निचले अदालत के मामले में हाईकोर्ट में ये था तो गुर्दा का केस जेएस डब्ल्यू की थी उसके में 4 अप्रैल 2011 तक उन लोगों ने मामलों ने उसकी आपत्ति दर्ज की थी और समय सीमा थी 25 अप्रैल तक जमा करनी थी। उन्होंने बाई हैंड ऑफिस की सीम मानसा कॉपी भी लिया है और हाईकोर्ट को जवाब तस्वीर क्या दे रहे हैं कि डाक सर्वे 25 मई को मिला है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे लेकिन उन्हें वो सब दिखाई नहीं देता। तो हम इस न्याय की जो पाने का अधिकार है उसका भी उन्होंने सीधी सीधी बात है कि सही उसका भी विश्लेषण नहीं होता। जिसके तरफ पर एक न्याय को एक एडवोकेट फाइल महिला के साथ के साथ लगभग 10 महीने को मारपीट किया था। उसके पड़ोसी रथु मांझी जो आदिवासी भी है दोनों आदिवासी परिवार के वो लोग उसको मारपीट हुआ कपड़े फाड़ डाले गए वो महिला थाने पहुंचे तो किए पहले तो गाली गलौज करता है महिला के साथ जो महिला की गाली गलौज करता है फिर फाइल दर्ज होता है। अब निचली अदालत में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर एट्रोसिटी का भी चार्ज करने चाहिए कारण सामने वाले जो आरोप था उसने आधे से अधिक की संख्या में सामान का लेकिन वहाँ पास बोल रहे हैं कि बोला केस का चालू हो चुके हैं आधे केस में कम से कम कैसे लगाई है लगाई जा सकती या मियाँ समुचित न्याय अच्छी न्याय पाने का अधिकार है फिर लेकिन वहाँ पास न्यायालय ही वहाँ पास अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और दबाव की बात करते हैं कि शासन से ऊपर दबाव हो तो क्या कर सकते हैं जब कभी कभी मजिस्ट्रेट के साथ आप अदालत के बाहर निजी मुलाकात की बात की तो क्या भी करते हैं यहाँ हम लोग इस पर दबाव होता है अभी कहने की इसमें भारत में तब उस किन किन अधिकारों को पाने के लिए कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं या तो फिर ये सड़क की लड़ाई लड़ी है जो कल कड़ी वाली बात चली थी सीधी वाली बात है वो सीधी सड़क अदालत का अहिंसा और हिंसा दोनों गतिविधियों के साथ चलेगी। इसके ऊपर एक भी लॉबी बैठ कर बात करते हैं लार्ज लॉबी जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे सभी लॉयर्स भी बैठ कर तय करते हैं मुद्दा भाई ये बात ठीक है धन्यवाद। सुबह जो टॉपिक हुआ हमारा डिपेंड है उस पर एडवोकेट शर्मा जी साहब की बात करना चाहते हैं। दो मिनट कुछ सेकंड लूंगा जिन साहब निकल चुके हैं अपने होटल से वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे 10-5 मिनट में तो कृपया आप लोग यहीं बैठे रहें। और जब जब जज साहब यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों डिपेंडेंस की जो बात है तो जीरो भी डाले गए उनके ऊपर भयानक अत्याचार हुए हजारों हुआ हजारों लोगों को फांसी की सजा हुई फांसी पे लटकाया गया लेकिन आजादी का जो कारवा वो कभी न कम पड़ा ना मंदिर हुआ ना ही वो खत्म हुआ। जितनी अंग्रेजों ने जितनी भी कोशिश की इस देश की आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए उतना ही जबरदस्त तरीके से उस आंदोलन के साथ इस देश की जनता जुड़ती है। हम जानते हैं कि जब भगत सिंह ने फैसला किया कि संसद के अंदर बम फेंकना है भगत सिंह ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा और वो जानते थे कि इस काम का अंजाम क्या होगा। ये मीटिंग में तय हुआ कि हम असेंबली में जो बम फेंकेंगे तो किसी को नुकसान ना हो इस तरह का इस जगह पर फेंकेंगे। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें कहीं पर भी किसी को चोट नहीं आई संसद के अंदर बम फेंका और उसके बाद जो अरेस्टिंग हुई अरेस्ट
चाहते तो भगत सिंह वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और पुलिस को वहां पर उन्होंने अपनी अरेस्टिंग दी। अरेस्टिंग देने के बाद जो मुकदमा चला, उस मुकदमे के दौरान जो भगत सिंह का जो संगठन था समाजवादी सभा जो थी, उन्होंने अपने विचारों का कोर्ट के सामने पूरी तरह से बयान किया कि हम क्या चाहते हैं। और अंग्रेजों की अदालत में ट्रायल होने के बाद सरकार ने ये फैसला सुनाया कि जिन मुल्तान लोगों को फांसी सजा दी जाए, और हम जानते हैं कि इन तीनों नौजवानों के साथ उस समय देश की जनता, पूरे देश के नौजवान उन सारे नौजवानों के साथ था। और ये जो प्रबल जबरदस्त जन समर्थन था उससे डरकर अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीनों नौजवानों के फांसी की सजा को जो एग्जीक्यूशन किया, तो क्या लाहौर की जेल में उनको फांसी पर लटका दिया गया और बिना किसी को बताए रावी नदी के किनारे उनके शव को जला दिया। उन तीन नौजवानों ने जब शहादत दी 1921 में, उनकी शहादत के बाद इस देश में आजादी का आंदोलन जबरदस्त तरीके से और तेजी के साथ फैला। उन नौजवान साथियों की शहादत बेकार नहीं गई और लाखों लोगों ने आजादी का आंदोलन पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। कहने का मेरा आशा यह है साथियों, आप इस सरकार के खिलाफ बात करेंगे, इस सरकार की हुकूमत के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार का विरोध करेंगे, कोई सरकार आपको समर्थन नहीं, कोई आपको खुद माना का जाना नहीं। इन खतरों को आपको समझना पड़ेगा, कई खतरों का हम समझते हुए यहाँ पे आए, हम इनका मुकाबला भी करना चाहते हैं। और अगर आप खामोशी के साथ बैठ जाते हैं, ये जो अन्याय और अत्याचार का लगभग तड़के हो जाता है, किसी ना किसी को विरोध करना पड़ेगा। और हमें खुशी है कि इतने सारे साथी इस अन्याय और अत्याचार में विरोध करने वाले लड़ाई के साथ भी यहाँ पर बैठे हैं, और हम इस खतरे को महसूस करते हुए जानते भी हैं। इसलिए महिलाएं की मजदूरी करने जाती है तो उनका भुगतान कम होता है, पुरुषों की अपेक्षा कम होता है।
और महिलाएं सिर्फ घर में एक गृहिणी बन करके सिर्फ घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। आज भी बहुत सारे घरों के बस उनका काम उतना ही है, घर का घरेलू काम करें और कहीं किसी पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिला करके नहीं चल सकती है। अभी भी दलित महिलाओं की स्थिति यूपी और बिहार में है कि वो अभी भी सिर में गंदगी उठा करके लेकिन उठा करके और फेंकने जाती हैं। इसके संबंध में कानून बने हैं लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसी तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाए गए हैं, तो उनकी प्रताड़ना अधिनियम भी बनाए गए हैं लेकिन वो लागू नहीं होता है। इसे लागू कराने के लिए हम सभी अधिवक्ताओं उपस्थित सभी साथियों का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि महिलाओं के उत्थान के बारे में उनके मौलिक अधिकार दिलाने के संबंध में हम काम करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान कराएं, ये भी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बोलने का मौका मिला है, खुशी की खुशी हो रही है कि तय एक पल भी उससे एक पल भी अधिक लोग नहीं जी पाएंगे। तो कहा गया है कि धारा नहीं जो धारों से जिसने पति और सुधार नहीं हृदय नहीं और पत्थर है जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। हमें कोई अलग से कुछ करना नहीं है। मानवाधिकार आयोग का जो क्रम है जो हर चीज हमको जो चाहे संविधान के द्वारा मिला है या प्रसिद्धि के द्वारा मिला है उसका भी हम न कर पाए और हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो डर जाएगा वो मर जाएगा, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ठीक है डराएंगे लोग, हमें तरह तरह से प्रलोभन भी देंगे डराई देंगे लेकिन हमें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपना जो काम है जो हमारे सीनियर के द्वारा जो गाइडलाइन मिलेंगे हमें उन्हीं के इशारे पे चलना है और एक सिस्टम के तहत चलना है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए सब कोई डर जाएगा तो फिर कम होगा नहीं और जीने कौन आएगा। इसलिए यह हतो दिमाग से निकालने की बात है कि डराने वाले तो ठीक है वो अपना दिखाएंगे लेकिन जो मेरा मौलिक अधिकार है हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, जो हमें भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और वहाँ पे सुदूर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा करके उन्हें भी जन जागरण कराना है, उनको समझाना है कि यह तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है तो इसके लिए आगे आ और उसके लिए आवाज उठा। तो जब तक उन तक पहुंचेंगे तो उनको जब जानकारी भी नहीं होगी कि मेरा क्या अधिकार है तब तक यह संभव नहीं है। और उन्हें जब चेतना आ जाएगी विनोबा भावे जी के शब्दों में बातचीत के बारे में बोले कि भारतीय रेल के डब्बे और नेता जो इंजन तो अगर रेल के डब्बे का शौक है तो चलेंगे नहीं लेकिन ये भी इंजन अगर उसमें जुड़ जाएंगे तो स्वतः जगह चलने लगेंगे। तो वैसे चंद बातों से मैं अपने बारे में विराम देता हूँ और एक ही बात का तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे सभी वक्ताओं ने बताई दिया है कि मानवाधिकार का किस प्रकार से हनन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। संविधान जो इसने पूर्व से संविधान के निर्माण के समय से ही मानवाधिकार के बारे में उल्लेख किया था। ऑनरेबल जस्टिस साहब कर रहा हूँ हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस गांगुली को पाके और मैं अनुरोध करता हूँ आलोक शुक्ला जी से, सिस्टर सेंटी से, अमनन पांडे जी से और एडवोकेट सुधा भारद्वाज जी से वो आगे आ जाएं और अपनी बात रखेंगे। जज साहब से ऑनरेबल जस्टिस से अपनी जो बात है हमारा जो छत्तीसगढ़ का परिस्थिति है
उसे बांटे और उसके बाद हम ऑनरेबल जस्टिस ए के गांगुली जी से उनकी राय सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग सब कृपया मंच पे आ जाए। आलोक शुक्ला सिस्टर से मनोहर पांडे जी और एडवोकेट सुधा साहब कर लिए गए 2009 तक।
और उनके लिए जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है लगभग सिर्फ अकेले कोयला खदान में हम देखेंगे तो 60,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो जाने वाली है सिर्फ कोयला ब्लॉक में। और ये वो इलाका है जो पूरा घना आदिवासी जहाँ पे आबादी है वो इलाका है जहाँ पे घना जंगल का इलाका है, वाइल्ड लाइफ में डेंस फॉरेस्ट का इलाका है और पूरी लाइवलीहुड जंगल के आदिवासियों की जुड़ी हुई है। और ये सभी यदि कोयला ब्लॉक यदि ओपन हो जाते हैं तो हजारों आदिवासी परिवार वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, उनको बेदखल होना पड़ेगा। सभी जगह से आदिवासियों की जिस तरीके से आज बेदखली हो रही है, हम यदि एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की बसाहट देखें तो 11,000 ऐसे गांव हैं जो जंगल क्षेत्र के आसपास हैं, 400 ऐसे गांव हैं जो कि बनग्राम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो बेदखली है इन्हीं आदिवासी इलाकों से हो रही है, चाहे वो खनिज परियोजनाओं के नाम पे बेदखली हो, चाहे वो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पे बेदखली हो, चाहे वो अलग तरीके के और जो प्रोजेक्ट उनसे डैम प्रोजेक्ट उनसे बेदखली हो, आदिवासियों के सामने बड़ा विस्थापन का एक संकट हमारे सामने नजर आ रहा है। साथ ही पूरे रिसोर्सेज की जो रूट है, सिर्फ कोयला की रूट है, जो आयरन ओर की रूट है, जो जमीन की रूट है, पानी की रूट को हम देखते हैं कि जिस तरीके से थर्मल पावर प्लांट डाले हैं वो इनके पास मैप नहीं है कितने प्लांटों के लिए पानी कहाँ से आएगा। छत्तीसगढ़ में 40 बड़े सिंचाई के लिए डैम बनाए गए थे जो बांध थे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बांध था हद्दो बांध, वो बांध जो 75 में बनाया गया था जब बड़ा अकाल उस इलाके में पड़ा था, उस समय अकाल से निपटने के लिए सिंचाई सुविधाओं के लिए हद्दो बांध बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से हद्दो बांधों का जो पूरा पानी है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए रिजर्व कर दिया गया। लगभग 40 बांधों का जो 60,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी है, 40% 2600 मिलियन घन मीटर पानी जो है वो उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। यदि हम आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ में खेती के लिए जो पानी दिया जा रहा है वो 2400 मिलियन घन मीटर है और उद्योगों के लिए दिया जा रहा है वो 2600 मिलियन घन मीटर है। इसमें भी और हम गंभीरता से आंकड़ों को देखते हैं तो ये जो 2600 मिलियन घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के लिए होगी। ऑलरेडी जो छत्तीसगढ़ में प्लांट लगे हुए हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जो स्पंज आयरन है, उनके लिए पानी की डिमांड अलग होगी। साथ ही महानदी पे 5 बैराज बनाए जा रहे हैं, हम मानते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ की एकमात्र जीवनदायी नदी है। वो वकालत इसलिए नहीं कर रहा है कि जिसकी वकालत कर रहा है वो छूटे कि ना छूटे, वो खुद से मुल्की बन के जेल में चला जाए, इस बात के लिए कोई वकालत नहीं करना चाहता है। छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहाँ पर अधिवक्ताओं को हटाने धमकाने का काम शासन और प्रशासन के द्वारा सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में क्या किया जा सकता है सबको विचार करने की जरूरत है। मैं बहुत देखती था, लेकिन सारे जो एडवोकेट्स इस बात को जानते हैं कि 18-18 मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई कि 2007 से 2009 के बीच में एंजाइटी डिप्रेशन करने शिकार हो गया और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अधिवक्ताओं को भी, अधिवक्ताओं के केस में भी वही बात होती है जैसे कि पहले कोई अपराधी है। मेरे खिलाफ एक केस, पहला केस जो है वो पुलिस ने 121 ये दर्ज किया उसमें, और ये कहा कि जब देशद्रोह का भी मुकदमा लगाया तो हमारे सेशन जज ने कि मैं पिछले 3 साल से जिले में जिला सत्र न्यायाधीश हूँ और मैं 3 वर्षों से ये देख रहा हूँ कि अमरनाथ पांडे न्याय निष्पादन की प्रक्रिया में सदैव तत्पर रहते हैं, सहयोग करते हैं। इन 3 वर्षों में मैंने सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मीटिंग ली है, 3 वर्षों में कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस बात को नहीं कहा कि अमरनाथ समाज के लिए कोई खतरनाक व्यक्ति है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अमरनाथ के खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं अपने ज्ञान के आधार पर इनको अंतरिम जमानत दे रहा हूँ। डायरी केस होने के पहले जब मैंने बेल प्रूफ किया तो पुलिस पूरे कोर्ट को छावनी के रूप में बदल दी, चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई थी, क्या इसकी बेल खारिज हो जाएगी और कोर्ट से निकलेगा कुछ बरस कर लेंगे। हम लोगों ने सेशन जज साहब को बताया कि साहब आप स्वयं कोर्ट का निरीक्षण कर लीजिए, कोर्ट के चारों तरफ पूरी सीआरपीएफ है, सीएम लगी हुई है और अभी मैं निकलूंगा तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मेरा बात के हाथ पैर तोड़ देगी। तो उन्होंने सरकारी वकील को बुलाया और कहा कि इस केस में डायरी बुलाइए और मैं इसमें अभी तक तुरंत सुनवाई करूंगा। तो आज की उपस्थित ये इतना आश्चर्यजनक बात था कि जिस डायरी को लेकर साधारण हेड कांस्टेबल सेशन कोर्ट में आता है उसमें सेशन कोर्ट में हेड कांस्टेबल डायरी लेके नहीं आया, आईजी आया और एडिशनल एसपी आया और उन्होंने कोर्ट को
बताया कि साहब को हमारा निवेशक है वो कहीं चला गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर सारे एडवोकेट्स को तुम चाय पिलाओ, डायरी केस मैनेजर के लिए मुझे जमानत देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस बात से हमानत नहीं है कि हमारे साथ देश नहीं है। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये कोर्ट में नियमित वकालत करते हैं और नियमित न्याय निष्पादन की क्रिया में सहयोग करते हैं। ऐसी ये जो घटना हुई थी जिसमें हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, 1 मई को पूरे हिंदुस्तान के भीतर पूरे हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं वो रैलियां निकालते हैं। हमारा अपराध इतना था कि हम कोर्ट में थे और मजदूरों की कोई रैली होने वाली थी, तो उन लोगों ने आज से आके कहा कि सर आप हमारी मुख्य अतिथि का दायित्व तो निभाएंगे क्या, हम लोग वहाँ पे रैली कर रहे हैं, वहाँ पे शब्द लगा के आप संबोधित कर देते तो बहुत अच्छा होगा। तो हम कहते ठीक है फिर हम कितना भी जा रहे हैं, तो लोग बोले थे 3 बजे आ जाएंगे। हम उस रैली में बीड़ी पत्ता के जो मजदूर हैं जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं उन मजदूरों की रैली में संबोधित करने के लिए गए थे। मैं गया था और मेरे एक एडवोकेट मित्र हैं अरविंद ने कहा हम दोनों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि पुलिस ने पता नहीं किस दबाव में आके जब हमारा बेल हो रहा था उस समय वो दोनों FIR हमारे पास है, जो पहला FIR जिसमें देशद्रोह का मुकदमा है और दूसरा उसी अपराध क्रमांक को उन्होंने बदल दिया और दूसरा अपराध क्रमांक में देशद्रोह का सेक्शन को उन्होंने हटा दिया। सरगुजा जिले में पुलिस और बस्तर की जो पुलिस है वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि भारत सरकार की ये समझदारी है कि गरीब लोगों को बैंकिंग की व्यवस्था से जोड़ना है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में कोई जमानतदार की जरूरत नहीं है, कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, कोई दूध पालन करना चाहता है तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 से लेकर 50,000 तक के ऋण दिए जाएंगे। हमारे अंबिकापुर में एक ओम प्रकाश जायसवाल रहता था, गरीब लड़का था, उसने बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दिया तो उसका पहले से एक ग्रामीण बैंक में 10,000 का लोन था। तो उसको किसी ने बताया कि ऐसा है कि देखो ग्रामीण बैंक तो तुमको नोट यूज देगी नहीं, लाओ हानि तुम्हारा सील मोहर मार के तुमको दे देते हैं नोट यूज। तो बाकी जो 10 बैंक थे सबसे वो नोट यूज ले आया और एक ग्रामीण बैंक का नोट यूज उसने फाल्स बनवा दिया। अब पुलिस को ये साबित करना था कि बहुत सेंसेशनल मामला उन्होंने पकड़ लिया है, उसको थाने में ले जाकर के उन लोगों ने मारा और वो मारते हैं तो रात को 11 बजे के बाद मारते हैं, जब 11 बजे वो मारते हैं तो शराब पी के आते हैं। उन्होंने आकर के उस ओम प्रकाश जायसवाल के पेट में 2-4 लात मार दिया और वो थोड़ी देर के बाद खून की उल्टी किया, सुबह उसको कोर्ट में पेश किया। जो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, उसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने लाया जाएगा तो आप उनसे पूछिए कि भाई आपके साथ कोई मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। उसको कोर्ट में भी पेश नहीं करके बाहर रहती है, पूरी प्रक्रिया होकर के चला जाता है। वो उसको ले गए जेल में दाखिल कर दिए, वो लोग आनंद फानंद में सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया और फिर वो जेल चला गया और जेल में गया उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो वो पेट उसका फूलने लगा, रात भर में पेट फूल गया। वो मजिस्ट्रेट वो जेल वाले गए कोर्ट में अनुमति लेने के लिए कि इसका पेट फूल गया, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, अनुमति है कि उनका समय लगे। तीन तरीके से लोगों की आजीविका चलती है, वो लोग हैं जो खेती करते हैं, दूसरे हैं जो नदी में कछार पे खेती करते हैं सब्जी उगाते हैं, तीसरे वो लोग हैं जो भूमिहीन परिवार है जिनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है। वो परिवार गर्मियों में जब नदी का पानी सूखता है वहाँ नदी जो नदी की रेत है उस पर सब्जी भाजी उगा के अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये जो 5 बैराज बनाए जा रहे हैं ये पूरा 290 मिलियन घन मीटर पानी इसका होगा, वो इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया गया 30 कंपनियों के लिए और उस 60 किलोमीटर के दायरे में 15,000 ऐसे परिवार है जिनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था कि गर्मी में नदी की रेत पर सब्जी भाजी उगा के जीवन यापन करना। साल भर जब उस पर पानी भरा रहेगा वो कंप्लीट उनका आजीविका का साधन छीन लिया गया। और जब ग्राम सभा ने यह प्रश्न किया, ग्राम पंचायत ने वहां की सवाल किया तो स्पष्ट रूप से जल संसाधन विभाग का कहना था कि नदी हमारी संपत्ति, हम इसका कुछ भी चाहें हम करेंगे, इस पर किसी का कोई समुदाय का अधिकार नहीं है। पूरा राइबेरियन राइट्स का जो सवाल है जो पानी का वो खत्म कर दिया गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कॉर्पोरेट के लिए लूट मची हुई है बहुत भयानक है और हम एक तरीके से देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जमीन से बेदर्दी का जो मामला है
कहीं पे सीधे खदानों के लिए बेदखली हो रही है, कहीं पे उद्योगों के लिए बेदखली हो रही है, कहीं खदानों और उद्योगों के लिए पूंजीपतियों को जमीन देने के नाम पे सर्वे ग्रुप जैसे अभियानों से बेदखली हो रही है। 640 ऐसे गाँव है जो खत्म हो चुके हैं। दो ऐतिहासिक कानून आए इस देश में, जिसमें 1996 में पैसा कानून है और 2006 वन अधिकार कानून है। लेकिन जिस तरीके से इन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, पूरे सरगुजा में पैसा कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। कलेक्टर जाता है ग्राम सभा में, पुलिस को उसकी मौजूदगी में दस्तखत करवाता है और बोलता है कि यहाँ अनुमति पे आप साइन करिए, और यदि कोई विरोध करता है उसको उठाकर और उसके खिलाफ केस लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का टोटल यदि हम देखते हैं तो 60% इलाका है जो अनुसूचित क्षेत्र है, और इस पूरे 60% इलाके में तमाम खनिज परियोजनाएं आ रही है, तमाम प्लांट आ रहे हैं, और इस पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पैसा कानून का जिस तरीके से उल्लंघन राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही भयानक है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि आप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व है वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता, और राज्यपाल ने कभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी केंद्रीय आदिवासी मंत्री एक बयान जारी करते और बोलते हैं कि राज्यपालों को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, अपने आप में बहुत ही विडंबना का सवाल है कि जो जिम्मा राज्यपालों के पास है वो कभी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। साथी लगातार अलग अलग अभियानों के नाम पे छत्तीसगढ़ में लोग उखड़ रहे हैं, उगाड़े जा रहे हैं, और मुझे लगता है इस तमाम मुद्दों पे और आगे बात करने के लिए हमारे वक्ता है वो बात रखेंगे। जसपुर की जो बात है कि 622 वर्ग किलोमीटर जमीन खुला दे दिया गया, फॉरेस्ट लैंड एक्ट जो बना था जिसके पीछे मूल उद्देश्य था कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन क्रियान्वयन की जब स्थिति देख रहे हैं तो आज हमें लग रहा है कि पुनः वही एक ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है। लगातार ये आंकड़े कहे जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से माइग्रेशन पलायन कम हो रहा है, लेकिन हर साल के यदि हम आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ से माइग्रेशन की जो पलायन की स्थिति भयानक है। पिछले दिनों ही बंधुआ मजदूरी आंदोलन ने कुछ यहाँ के मजदूर साथियों को अलग अलग घोषित कराया, तो लगातार यहाँ पे जो यहाँ के साथी हैं जो किसान हैं मजदूर हैं आदिवासी वो पलायन करने के मजबूर हैं, और जो रिसोर्सेज की पूरी छूट जो यहाँ पे कॉर्पोरेट की दी गई है। कल जब फादर ने इस बात को कहा था कि एक बड़े बड़े होल्डिंग हमारे यहाँ लगे हुए हैं कि विश्वसनीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो प्रस्तुति उन संबंध में वैध रेमेडी कहा जाए क्या करें कि हम लोग यहाँ पेंडिंग फॉर इयर्स टुगेदर इन द हाई कोर्ट। यहाँ पर फेक एनकाउंटर के जो केसेस हैं वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक मामूली की मांग करके जो रिट पिटीशन दायर है कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से तो पिछले 4 सालों से लंबित है। सिंगावरम का एक केस था जनवरी 2007 का, वो आज भी तीसरा मतलब यहाँ पर अभी सभी लोगों ने बीजापुर की जो घटनाएं हैं उसके बारे में तो तमाम मीडिया में देश और विदेश में चली गई, तमाम रिपोर्ट होगी। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, हमारे खुद ट्राइबल जो मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स तो चंद्रदेव ने भी इसके बारे में कमेंट किया, जो छोटे पूरा किलिंग हुए। जुडिशियल इंक्वायरी घोषित जरूर हुई है, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि जुडिशियल इंक्वायरी में कोई आगे कदम नहीं किया हुआ दिख रहा है। जो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई थी क्योंकि सरप्राइज मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी में गाँव का एक भी व्यक्ति, उनका कहना है कि गाँव का एक भी व्यक्ति नहीं था, ये कैसे हुआ। और इसकी पहले की भी जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी थी, मीना ठाकुर का एक केस था, सरगुजा में रेप और मर्डर का केस था, उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी कुछ नहीं हुआ, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसी स्थितियों में हम कहाँ जाएं? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट रेमेडी के लिए